पहुंच गए हैं साधु के रेलवे स्टेशन जी। साधु को रेलवे स्टेशन को संगाड़ा स्टेशन भी कहा जाता है। बैंगन की फसल भी है, यहाँ पर बैंगन लगे भी हुए हैं। खामोशी को तोड़ने के लिए आ रही है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस। सुफियान भाई से उनकी मुलाकात हो ही गई है। 45:60 अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक पुरसकून स्टेशन साधु के रेलवे स्टेशन के बारे में जान सकेंगे जो कि दो ज़िलों में वाक़ है। 24 जून 2022 को दोपहर के तकरीबन 12 बजे हम साधु के रेलवे स्टेशन पहुँच गए थे। ले जी, फाइनली मैं और सुफियान भाई पहुंच गए हैं साधु के रेलवे स्टेशन पर। सबसे पहले साधु के रेलवे स्टेशन की बात कर लेते हैं। साधु के रेलवे स्टेशन पाकिस्तान के सूबे पंजाब के दो ज़िलों गुजरांवाला और शेखुपुरा की हदूद में वाक़ है। दो ज़िलों में इस तरह से कि मेन जीटी रोड पर ज़िला गुजरांवाला के अख्ताम का बोर्ड अवेज़ा है और साथ ही ज़िला शेखुपुरा की हदूद का आगाज़ भी हो जाता है और ये सामने सड़क बिल्कुल सीधा साधु के स्टेशन की बिल्डिंग के एन सामने जाती है, इसलिए मेरे मुताबिक ये स्टेशन दो ज़िलों में वाक़ है। जबकि साधु के टाउन ज़िला गुजरांवाला में है जो कि स्टेशन से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। साधु के रेलवे स्टेशन लाहौर में शादरा जंक्शन से 30 और गुजरांवाला स्टेशन से 32 किलोमीटर की मुसाफत पर है। साधु के रेलवे स्टेशन पाकिस्तान रेलवेज़ के लाहौर डिवीज़न में कराची पिशावर मेन लाइन 1 के हिसाब से 1256 किलोमीटर मार्कअप पर वाक़ है। आजकल साधु के रेलवे स्टेशन पर किसी भी ट्रेन का स्टॉप नहीं है। साधु के रेलवे स्टेशन का कोड SDQ है। SDQ पर एब्सोल्यूट ब्लॉक सिग्नल सिस्टम वर्क कर रहा है। ले जी, साधु के रेलवे स्टेशन पर पहला ट्रेन एक्शन रेडी है और इस वक्त 1:18 हो रहे हैं और सामने से आ रही है रावलपिंडी और कराची के दरमियान चलने वाली एयर डाउन तेजगाम एक्सप्रेस और यह सामने SM साहब ट्रेन को प्रोसीड सिग्नल दिखाते हुए कि मियाँ साहब जान दियो। ये थी ZCU-20 6418 के साथ एयर डाउन तेजगाम एक्सप्रेस। अब एक नज़र साधु के रेलवे स्टेशन को देख लेते हैं। स्टेशन बिल्डिंग के बाहर ही टावर मौजूद है और साथ ही इसको कंट्रोल करने के लिए कमरे भी मौजूद हैं। अब साधु के रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का मुख्तसर सा जायज़ा ले लेते हैं। यहाँ पर एक तरफ टिकट घर मौजूद है लेकिन ऑपरेशनल नहीं है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर किसी गाड़ी का स्टॉप नहीं है। टिकट घर लिखा हुआ है उसकी खिड़की और आगे किरायानामा और टाइम टेबल। यहाँ पर बाबू पैसेंजर और गुजरांवाला शटल भी रुका करती थी लेकिन आजकल किसी भी ट्रेन का यहाँ पर स्टॉप नहीं है। टिकट घर और बिल्डिंग के दूसरी तरफ काफ़ी सब्जियाँ काश की गई हैं। यहाँ पर मिर्चें हैं और इसके अलावा बैंगन, और बैंगन लगा भी हुआ है। ये रहा बैंगन और इसके साथ दूसरी तरफ भिंडी भी उगाई गई हुई है। और बिल्डिंग के बाहर ही रेलवे क्वार्टर्स मौजूद हैं लेकिन अबैंडन हालत में, और इसके अलावा अतराफ में यहाँ पर काफ़ी राइस मिलें भी मौजूद हैं। अब साधु के रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म में एंटर होते हैं। बिल्डिंग के एक साइड पर रास्ता मौजूद है प्लेटफार्म पर जाने के लिए और एंट्रेंस के साथ ही एक अदद हैंडपम्प मौजूद है और देखने में तो चालू हालत में है जी। ये चल रहा है, पानी भी ठंडा ही है। और आगे यहाँ पर लगे पौधे इस्तकबाल कर रहे हैं साधु के रेलवे स्टेशन पर। ये आ गया साफ़ सुथरा सा प्लेटफार्म साधु के रेलवे स्टेशन का। साधु की रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग में दफ्तर स्टेशन मास्टर
जबकि दूसरी साइड पे रिले और बैटरी रूम और इससे आगे जनरेटर रूम मौजूद है सादो की रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग में। इसके अलावा सादो के रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर बत्ती गोदाम, स्टोर रूम और प्लेटफार्म पर एक साइड पर ही मस्जिद भी मौजूद है। काफ़ी हरा भरा और वेल मेंटेन है सादो के रेलवे स्टेशन। काफ़ी प्लांटेशन की गई है यहाँ पर स्टेशन बिल्डिंग के आगे और अतराफ में। स्टेशन पर मौजूद जामन के दरख्त से परिंदे फ़ायदा उठाते हुए, ये रहा जामन का दरख्त। 3:15 हो रहे हैं और सादो के रेलवे स्टेशन पर दूसरा ट्रेन एक्शन रेडी है और इस वक्त सामने से आ रही है चारों सूबों में सफ़र करने वाली पेशावर और कोयटा के दरमियान चलने वाली 40 जाफ़र एक्सप्रेस पास होगी सादो के रेलवे स्टेशन से। ये थी ZC20 6425 के साथ 40 जाफ़र एक्सप्रेस। सादो के रेलवे स्टेशन की डाउन साइड यानी लाहौर साइड पर अगला वर्किंग रेलवे स्टेशन है मुरीद के रेलवे स्टेशन और अप साइड यानी गुजरांवाला साइड पर अगला वर्किंग रेलवे स्टेशन है कामों के रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर ट्रैक्स की बात करें तो यहाँ पर 3 मौजूद हैं, एक मेन लाइन मेरे राइट साइड पर, मेरे लेफ्ट साइड पर आपकी लूप लाइन और साथ ही एक अदर यहाँ का सादो के रेलवे स्टेशन का वाहिद प्लेटफार्म भी मौजूद है, जबकि डाउन की लूप लाइन दूसरी तरफ मौजूद है और लूप लाइन के दूसरी तरफ खेत खलियान मौजूद हैं। इन खेतों में संगाड़े वगैरह काफ़ी उगाए जाते हैं, इसीलिए इस स्टेशन को मकामी अफराद के मुताबिक सादो के रेलवे स्टेशन को संगाड़ा स्टेशन भी कहा जाता है। इस वक्त 4:17 हो रहे हैं और सादो के खामोश और पुरसकून रेलवे स्टेशन पर खामोशी को तोड़ने के लिए आ रही है 5 ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, जो कि कराची और मालगला के दरमियान चलती है, इस्लामाबाद के दरमियान। GA20 है इसके साथ, GA24554। ये थी 5 जो के पास हुई है सादो के रेलवे स्टेशन से। और इस रेलवे स्टेशन पर खामोशी की एक वजह ये भी है कि यहाँ से जो सादो के गांव या शहर है वो आपको सामने जो आबादी नज़र आ रही है वो सादो के रेलवे स्टेशन से तकरीबन 2.5 से 3 दूर है, आसपास आबादी नहीं है, इसलिए ये काफ़ी पुरसकून रेलवे स्टेशन है। इस वक्त 5:11 हो रहे हैं और सादो के रेलवे स्टेशन पर अब पड़ेगा क्रॉस 7 और 14 के दरमियान, और 7 पहले आ गई है, लूप लाइन पे लग रही है, ZC20 6413 की क़यादत में आ रही है। इसके साथ क्रॉस होगा 14 और 14 जाएगी थ्रू सादो के रेलवे स्टेशन। लो दोस्तों, ये लग गई है ब्रेक है, अब चलते हैं दूसरी साइड पर और 14 का क्रॉस की वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, क्रॉस का वक्त आ चुका है और सामने से आ रही है ZC20 के साथ
पिशावर और कराची के दरमियान चलने वाली 14 डाउन आवाम एक्सप्रेस क्रॉस करेगी 7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस को सादों की रेलवे स्टेशन पर, और इस वक्त 5:15 हो चुके हैं। ठीक है, ये थी 6405 के साथ 14 डाउन आवाम एक्सप्रेस, और एक पैसेंजर भाई भी मुझे बुला रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सुफियान भाई को सलाम कह रहे थे वो, इस वक्त वो दरवाज़े से हट गए हैं, हो सकता है वो दरवाजे से पीछे जा रहे हैं सुफियान भाई के पास। जी तो वो वाले पैसेंजर पीछे आ गए हैं और सुफियान भाई से उनकी मुलाकात हो ही गई है आखिरकार। सेवन अप तेज़गाम अपनी अगली मनाजिल की तरफ रवाना होते हुए साधु के रेलवे स्टेशन से, और इस वक्त 5:35 हो रहे हैं, और अब आ रही है एक प्राइवेट ट्रेन 103 अब सुबह खराम एक्सप्रेस पास होगी साधु के रेलवे स्टेशन से GO20 के साथ। ये थी 4560 के साथ 103 अब सुबह खराम एक्सप्रेस। तो दोस्तों, इसके पासिंग के साथ ही आज की वीडियो का भी इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको साधु के रेलवे स्टेशन पर बनी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नई जगह पर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।